Hi guys, how are you? Hope you all fine. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, कल की वीडियो में हमने बात की थी अपने इंडिकेटर MACD एंड RSI इंडिकेटर, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इन पर हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम श्योर शॉर्ट निकाल कर सकते हैं, कैसे हम इंडिकेट करते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मोस्ट इंडिकेटर पैराबोलिक SAR एंड विलियम्स फ्रैक्टल इंडिकेटर, ये क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इनके हम श्योर शॉर्ट निकाल करके इन पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे विनिंग निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। गाइज, वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा, वीडियो पूरा देखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सेशंस कराए जाते हैं, उनको अप्लाई करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, जिन लोगों का लॉस हुआ पड़ा है वो लॉस कवर अप कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज, वहाँ से आप हमारे VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अगेन आप सेशन को ज्वाइन करके और मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस, अगर आप सभी ने अभी तक क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, क्यूटेक्स पर अकाउंट क्रिएट करके आप हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये पैराबोलिक SAR एंड फ्रैक्टल इंडिकेटर क्या होते हैं, आइए समझते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिसमें हमारी क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में $7,363 का लाइव बैलेंस है, आप सब देख पा रहे हैं। एंड गाइज, हमारे यहाँ पर हमेशा इंडिकेटर जो लगा रहता है, जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, वो है जिगजैग इंडिकेटर हमारा लगा रखा है। एंड गाइज, आज के इस लाइव चार्ट में हम फ्रैक्टल एंड पैराबोलिक SAR को अप्लाई करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, ये इनको हम फर्स्टली अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा विलियम्स फ्रैक्टल इंडिकेटर रहा, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कलर हमारा ऑलरेडी लगा रखा है, हमने लगा लिया है, फ्रैक्टल हमारा इंडिकेटर यहाँ पर शो हो चुका है। एंड गाइस, जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो है हमारा पैराबोलिक SAR, इसको हमने अप्लाई कर लिया है, रीडिंग हमने ऑलरेडी फिलअप कर रखी थी 0.02, एंड सेकंड जो मैक्सिमम एक्सेलरेट है वो है 0.2 का, हमने फिलअप कर रखा है, कलर भी हमारा ठीक है। ओके, एंड गाइस, जो हमारा इंडिकेटर हम यहाँ पर है पैराबोलिक SAR एंड फ्रैक्टल इंडिकेटर हमने अप्लाई कर लिया है, इसको हम कर देते हैं क्रॉस। एंड गाइज, फ्रैक्टल इंडिकेटर, विलियम्स फ्रैक्टल इंडिकेटर जो हमारे हैं, स्क्रीन पर आप सभी को अगर शो हो रहा हो तो देखिए, ये जो यहाँ पर एरो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन एरो एंड रेड एरो, ओके, मतलब जो ऊपर की ओर जो हमारे एरो बना हुआ है वो आप देख रहे हैं, ये या फिर ये वाला, ये सारे हमारे ग्रीन एरो हैं। ओके, एंड डाउन की ओर जो डाउन वाले जो एरो दे रखे हैं रेड एरो, ये रेड कलर के दे रखे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्टल इंडिकेटर आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, अगर हमारा फ्रैक्टल इंडिकेटर जो रेड वाला एरो बना हुआ है ऊपर की डायरेक्शन की ओर एरो जो दे रखा है, मतलब हमारा अगर ग्रीन कलर का फ्रैक्टल इंडिकेटर दे रखा है अप डायरेक्शन की ओर दे रखा है, तो वहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है, वहाँ से हमारा मार्केट अप से डाउनवर्ड की ओर आने वाला है। ओके, मतलब वहाँ से हमारा मार्केट ऊपर से नीचे गिरने वाला है। ओके, उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। एंड गाइज, वही फ्रैक्टल इंडिकेटर अगर रेड कलर का दे रखा है, डाउन डायरेक्शन की ओर दे रखा है, नीचे की ओर दे रखा है, तो यहाँ से हमारा मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ इस रेड एरो की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, रेड एरो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जाने वाला है। ओके, आपको ये चीज़ें देखने से समझ में आ रही होंगी, ये वाला हमारा रेड एरो दे रखा है, यहाँ से मार्केट हमारा अप गया, एंड यहाँ से हमारा ग्रीन एरो अगेन बना, तो यहाँ से मार्केट अगेन डाउन गया, फिर अगेन हमारा रेड वाला बना, अगेन थोड़ी देर के लिए मार्केट अप गया, अगेन अप जाते हुए ये हमारा अगेन ग्रीन बना एंड अगेन रेड। ओके, ये चीज़ें आपको देखने समझ में आ रही होंगी। ओके, एंड गाइस, पैराबोलिक SAR जो है इसमें जो आपको डॉटेड दिख रही हैं, छोटी छोटी डॉटेड आपको अगर दिख रही हैं, तो ये पैराबोलिक SAR देखने से समझ में आता है कि हमारी जो डॉटेड दे रखी हैं, अगर हमारी मार्केट में नीचे से ऊपर की ओर जो डॉटेड दे रखी हैं, मतलब हमारा यहाँ से फ्लो जो है मार्केट का वो डाउन से अपवर्ड की ओर चल रहा है। ओके, एंड गाइस, अगर वही हमारा ये ऊपर से डाउन की ओर जो डॉटेड बनती हुई दिखाई देती है, तो मतलब वहां से हमारा फ्लो डाउन डायरेक्शन की ओर है, मार्केट हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ओके, मतलब रेड कैंडल्स बनने वाली है। ओके, वहां से मतलब हमारी सेलिंग हो रही है। ओके, तो गाइस, इसी इंडिकेटर्स को अप्लाई करने वाले हैं। एंड अभी अगर आप देख रहे हो, तो अभी इस वक्त हमारा जो है
जिगजैग हमें शो कर रहा है कि पूरा मार्केट, पूरे मार्केट की बात करें तो ये हमारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है पूरा मार्केट। ओके, एक घंटे का मार्केट हम देखें, साढ़े सात से साढ़े आठ का मार्केट देखें तो हमारा ये ऑब्वियसली नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, एंड गाइज अगर हम कुछ मिनट्स की बात करें तो यहाँ हमारे नौ से अभी साढ़े नौ के बीच अबव अभी हमारा मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ओके, फ्लो कर रहा है क्योंकि ओटीसी का मार्केट है तो फ्लक्चुएशन हर मार्केट में रहता है ओटीसी के मार्केट में। एंड गाइस जो हमें यहाँ पर फ्रैक्टल शो कर रहा है वो हमारा रेड फ्रैक्टल बना हुआ है। ओके, एंड जो पैराबोलिक सार है इसकी नीचे से ऊपर की ओर डॉटेड दे रखी है। यहाँ से नेक्स्ट जो हमारी डॉटेड बनने वाली है वो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की ओर आएंगी। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्टल नेक्स्ट फ्रैक्टल बनेगा वो हमारा ग्रीन एरो बनेगा, वहाँ से मार्केट हमारा डाउन डायरेक्शन की ओर आएगा। ओके, ये सिंपल सी चीज़ें। एंड इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारी एरो देखिए ऊपर से नीचे की ओर, ये एक और दो दो डॉटेड बन चुकी हैं हमारी पैराबोलिक सार की डॉटेड, हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट हमारा डाउन डायरेक्शन की ओर जाने वाला है। सो हम यहाँ पर हमने पांच ट्रेड प्रेस कर दी हैं। ओके, पांच ट्रेड प्रेस की हैं पैराबोलिक सार के इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए। ओके, इसको वेट कर रहे हैं हम इसका रिजल्ट क्या होता है। एंड गाइज जिगजैग अभी हमें इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की ओर। ओके, हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है वो मार्केट का फ्लो ऊपर की ओर चल रहा है, लेकिन अभी हम फ्रैक्टल शो कर रहा है और पैराबोलिक सार हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट अभी नीचे की ओर जाने वाला है। ओके, फिलहाल हमारा मार्केट बहुत अभी अभी जो ट्रेड है क्लोज पॉइंट से होकर के निकली है, 27 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास, देखते हैं वेट करना है कि क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, वेट करते हैं। ओके, हमने $12 की 5 ट्रेड्स प्रेस की हैं, वेट करते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे। एंड गाइज मैं यहाँ पर $200 की ट्रेड प्रेस करूँगी नेक्स्ट टाइम पर। ओके, एंड गाइज इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम रखा, और वही चीज़ मैं गाइज हर बार आपको बताती हूँ कि आपको मनी मैनेजमेंट को बहुत फॉलो ध्यान से फॉलो करना है। ओके, यहाँ से मैंने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ओर प्रेस की है और ये कैंडल हमारी डाउन डायरेक्शन की ओर ही जाएगी। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, एंड गाइज ओटीसी का मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। ओके, वेट करते हैं। $200 हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं, वेट करना है हमें। फिलहाल ये अगेन कैंडल हमारी अब की ओर बनी हुई है और ये हमारा पैराबोलिक सार का जो इंडिकेटर है हमें इंडिकेट भी कर रहा है यहाँ से कि ये हमारा मार्केट जो है अब की ओर फ्लो कर रहा है। चूंकि ओडिसी का मार्केट है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इसकी शेडोज जो है बहुत बन रही हैं, बॉडी पार्ट कम बन रहा है आप देख पा रहे हैं, और इस कैंडल का रिजल्ट हमें अभी 20 सेकंड्स में पता चल जाएगा। वेट करना है कि इस कैंडल का रिजल्ट हमें मिलता क्या है देखने को। एंड गाइस वेट करना है, 30 सेकंड्स हैं एंड ये ट्रेड हमारी फिलहाल विन होके आ रही है, आप सब देख पा रहे हैं। ओके, 8 सेकंड, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1। एंड गाइस ये हमारे $400 विन होकर के आ गए हमारे पास। ओके, हमें 768 का हमने प्रॉफिट कर लिया है। एंड अगेन हम जो ट्रेड प्रेस करेंगे हमने डाउन की ओर प्रेस की है, दो अगेन मैंने ट्रेड ली है, इसका भी हमें वेट करना है ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। एंड गाइस इसको हम फॉलो करते हैं, देखिए डाउन की ओर हमारी अभी फिलहाल कैंडल बन रही है, ये ट्रेड भी हमारी अगेन विन होकर आ रही है, लेकिन ओटीसी का मार्केट है ऐसे टाइम पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं कहा करती हूँ ओटीसी के मार्केट पर ट्रेड करने के लिए आप थोड़ा सा इसको अवॉइड किया कीजिए, प्रॉफिट मिलता है आपको, लॉस होने से बचते हैं। ओके, 29 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास, वेट करते हैं अगेन गाइज। ओके, ये ट्रेड हमारी अगेन विन होकर के आ रही है। एंड होप सो आप सभी को ये फ्रैक्टल और ये जो पैराबोलिक सारे इंडिकेटर है वो देखने से ही समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी इंडिकेटर है, बहुत कॉन्फिडेंट इंडिकेटर है, हमें अच्छे से इंडिकेट करता है मार्केट का फ्लो बताने में, बहुत अच्छा हमें हेल्प करता है। एंड अगेन गाइज 5, 4, 3, 2, 1 अगेन हमारी ये विन होकर के आ चुकी है गाइज, अगेन हमें 768 का प्रॉफिट हो चुका है। ओके, एंड गाइज यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा करके थोड़ा सा और देखते हैं ट्रेड प्रेस करके। ओके, वेट करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट इसके लिए नेक्स्ट अपने मौके की तलाश में हम बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि हमें इंडिकेटर हमारा किधर शो कर रहा है। फिलहाल अगर देख रहे हो तो ये हमारा ग्रीन एरो बन चुका है। ओके, ग्रीन एरो हमारा यहाँ पर बन चुका है, हमें ये इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड की ओर। ओके, मार्केट हमारा डाउन की ओर जाने वाला है। ओके, फिलहाल पैराबोलिक हमें देखिए यहाँ पर पैराबोलिक सार की अगेन डॉटेड बन चुकी है अब डायरेक्शन की ओर, नेक्स्ट कैंडल हमें ये शो करेगी कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो गाइज हम वेट करते हुए अगेन 30 सेकंड्स के बाद हम अपनी ट्रेड प्रेस करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, इस बार मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ $1,000। ओके, एंड गाइज
मैं यहाँ पर अपना जो है मैं यहाँ पर 1000 की डॉलर प्रेस करती हूँ। वेट करना है, यहाँ पर हमने दो तीन ट्रेड मैंने प्रेस कर दी हैं राइट टाइम को देखते हुए। ओके, अब इसका हमें वेट करना है क्योंकि ओटीसी का मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है हमारा, चूंकि पैराबोलिक सार ये इंडिकेटर कर रहा है और ये हमारा फ्रैक्टल भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से ये हमारी रेड डॉट बन चुकी है कि हमारा मार्केट जो है यहाँ से चेंज होगा। ओके, वेट करना है हमें। ओके, 25 सेकंड्स हमारे पास हैं, देखते हैं इस कैंडल का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। फिलहाल अभी हमने फर्स्ट टाइम पर 200 की मैंने चार ट्रेड प्रेस की, चारों हमारी विन गई। ओके एंड गाइस, इस ट्रेड का रिजल्ट हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। फिलहाल इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट टाइम पर हम ट्रेड प्रेस करेंगे। एंड गाइस, ये हमारी बहुत क्लोज पॉइंट पर गई है, बहुत क्लोज पॉइंट पर हमारी ट्रेड गई है। एंड इसको कवर करने के लिए गाइज हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। ओके, हम यहाँ पर चार ट्रेड मैंने प्रेस की हैं, इन्वेस्ट की हैं। एंड गाइस, वेट करते हैं, देखते हैं इसका हमें रिजल्ट देखने को क्या मिलता है। ओके, 18 सेकंड से हमारे पास वेट करना है। हमने $5000 इन्वेस्ट कर रखे हैं एंड गाइस, बहुत ही क्लोज पॉइंट पर है। अगर यहीं पर स्टेबलिस्ट रहती है देन ये ट्रेड हमारी विन होकर के आ चुकी है। ओके, देन हमारा पिछला लॉस कवर अप हो चुका है एंड गाइस हम अगेन प्रॉफिट कर चुके हैं। ओके, हम यहाँ पर $7300 पर यहाँ पर लाइव आए थे गाइस। इस वक्त हमारे लाइव अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो 9500, लगभग 9500 का लाइव बैलेंस अभी डॉलर मेरे पास है। ओके, तो गाइस होप सो आप सभी को ये फ्रैक्टल और ये पैराबोलिक सारे इंडिकेटर समझ में आया होगा। सिंपली आप देख रहे हैं, हमें इसमें कुछ नहीं समझना है, हम ये सारे इंडिकेटर ही हमें इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर हमें किस डायरेक्शन की ओर हमारा फ्लो जा रहा है, कहाँ पर हमें यहाँ ट्रेड प्रेस करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। ओके, तो गाइस होप सो आप सभी को ये फ्रैक्टल इंडिकेटर एंड पैराबोलिक सारे इंडिकेटर अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं एंड किस तरह से ये इंडिकेट करने पर हम ट्रेड प्रेस करते हैं, कैसे विनिंग के साथ हम श्योर शॉट अपने गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड गाइज मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।